नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की टॉप 10 की ओर रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। बेसिक के 21,744 स्कूलों में बिजली ही नहीं, एक ही दिन में बुलडोजर से ढाए जा रहे 70 घर। प्रदेश की सड़कों पर कहर बनकर टूटा मानसून। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर सील। उदयपुर की घटना की निंदा करने पर रोडीज की एक्स कंटेस्टेंट को मिली धमकी। 24 घंटे में मिले 16,103 नए केस, 31 ने तोड़ा दम। 2024 के आम चुनाव के लिए चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। कोची हाईवे अड्डे पर चेकिंग के दौरान आदमी ने बोला बम गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने सपा प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी की कार्यकारिणी भंग की। पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी का ऑडियो लीक। ये थी आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भविष्य में स्मार्ट कार जैसी विभिन्न आधुनिक तकनीकियों से लैस करने के लिए तैयार किए जा रहे प्रदेश के कुल 1,32,985 परिषदीय विद्यालयों में से 21,744 में बिजली ही नहीं है। इसका खुलासा ऑपरेशन कायाकल्प के लिए चल रहे अभियान के तहत खुद बेसिक शिक्षा विभाग की जांच में हुआ है। ताजा मामला है बिहार में, जहां अब तक की बुलडोजर की सबसे बड़ी कार्यवाही हुई है। बताया जा रहा है कि राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर के इलाके में प्रशासन ने 70 मकानों को ध्वस्त करने में जुट गया है। राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी के साथ मैदानी क्षेत्रों में शनिवार को अधिकतर जगह झमाझम बारिश हुई। वहीं रविवार को प्रदेश के पहाड़ी जिलों में तीव्र बौछार और गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र से शनिवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक रविवार को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा के आज से शुरू होने वाले विशेष सत्र के पहले परिसर में स्थित शिवसेना विधायक दल का दफ्तर सील कर दिया गया। दफ्तर के बाहर मराठी भाषा में लिखा नोटिस चस्पा किया गया है। शिवसेना के स्पीकर प्रत्याशी राजन सालवी विधान परिषद के उप सभापति नीलम गोहरे के ऑफिस में बैठे हैं। नोटिस में लिखा गया है कि यह कार्यालय शिवसेना विधायक दल के निर्देश पर सील किया गया है। एमटीवी के मशहूर रियलिटी शो रोडीज की एक्स कंटेस्टेंट निहारिका तिवारी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। निहारिका ने उदयपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। देश में बीते 24 घंटे में 16,103 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस दौरान 31 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन पहले यानी शनिवार को 17,092 नए मरीज मिले थे, जबकि शुक्रवार को 17,070 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,11,711 हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तथा पहुंच बढ़ाने और जन जन को भाजपा से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा समेत कई अभियान चलाए जाएंगे। केरल के कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार तड़के 63 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को अपनी उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई। जैसे ही चेक इन काउंटर पर कर्मचारियों ने उनसे पूछा कि उनके सामने क्या है, नाराज पति ने कहा बम, जिससे हड़कंप मच गया, जिसके बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा को सूचित किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को छोड़कर अन्य सभी कार्यकारिणी भंग कर दी है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी के साथ ही लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड सहित अन्य सभी फ्रंटल संगठनों की राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी का एक ऑडियो टेप मीडिया में वायरल हो रहा है। मात्र 2 मिनट के इस क्लिप में वह अपने पति की पार्टी पीटीआई को लेकर अहम बातचीत करती सुनी गई। इससे पता चलता है कि वह पार्टी रणनीति को दिशा देने का काम बखूबी कर रही है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।